नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की जीके के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य याद करेंगे इस ट्रिक में, और दो इस वीडियो में। उसके लिए दोस्तों आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगी। एक ट्रिक से आपके सारे राज्य याद हो जाएंगे जितने की उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल 9 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लिया जाए और अगर केंद्र शासित प्रदेश को हटा लिया जाए तो 8 राज्य हो जाएंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब ट्रिक देख लेते हैं कौन सी ट्रिक है और उससे सारे राज्य आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। ट्रिक है दोस्तों आपकी बुद्धू रमेश चंद्र सी जी। ठीक है दोस्तों, देखो ये लिखा है BDHHU, इसको पकड़ पढ़ने हैं आपको बुद्धू, और RM को पढ़ने हैं रमेश चंद्र, सॉरी रमेश, और सी चंद्र को आप सी समझ लीजिए या जे वाला सी से आप सी समझ लीजिए, और जी से तो जी है ही। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। देख लीजिए दोस्तों, बी से आपका बिहार, ठीक है, डी से है आपका दिल्ली यानी कि दिल्ली, और एच से है आपका हरियाणा, और एच से ही है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यू से है आपका उत्तराखंड, आर से आपका राजस्थान, ठीक है, एम से है मध्य प्रदेश, सी से है आपका छत्तीसगढ़। अब दोस्तों जी का थोड़ा ध्यान रखना, जी से है आपका झारखंड, आप जी से गुजरात ना कर दीजिएगा, इसलिए दोस्तों जी से है आपका झारखंड। कौन कौन से राज्य होगा दोस्तों, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। केवल आपको एक ट्रिक याद करनी है, वो ट्रिक है आपकी बुद्धू रमेश चंद्र सी जी। ये मैंने हिंदी में लिख दी है लेकिन आपको इंग्लिश में याद करना है, और बुद्धू की स्पेलिंग किस प्रकार से लिखना है ये देख लीजिए, BDHHU। बी से आ जाएगा बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप ऐसे ही और ट्रिक चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जीके से संबंधित, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो आपकी डिमांड से ही और वीडियो बनेगी। ये पार्ट 1 है उत्तर प्रदेश की सामान्य जीके का, ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है दोस्तों, आपकी डिमांड पर होगा ओनली ये काम। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।